अबे यार, चोर 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 पड़ गए, चोर पड़ गए यार। रोटी को डकलिंग, यार मुझे तो डकलिंग इतनी क्यूट लग रही है। मैं इनको जब से हाथ में लेके घूम रहा हूँ और इनके पीछे पीछे हूँ। ये देखे माशाल्लाह, हमारे रिंकल और मोंटी। अबे यार किधर जा रहे हो? ये डर रहे हैं हमारी इस गंजू से। चलो चल के दिखाओ यार, चल के दिखाओ थोड़ा थोड़ा। ये देखें कैसे गर्दन उठा उठा के चल रहे हैं बेचारे। इनको खुद समझ नहीं आ रही हमने क्या करना है, किधर जाना है। मेरे से भी डर रहे हैं, परिंदों से भी डर रहे हैं, हर किसी से डर रहे हैं। चलो आओ, आपको चिकन कोप में डालें दोबारा। हम आपको ज़्यादा तंग नहीं करते, इससे पहले कि हमें देर हो जाए और पिजन सारी रोटी खा जाएं। डकलिंग के लिए रोटी भिगोई थी तो अपनी मस्कवी डक के लिए, तो अभी इनको रोटी वगैरह डालनी है यार। ये देखो, ये लो जी, चलो चलो बस, खुश खुश हो गए, डरे हुए थे। ये हम डकलिंग को आपस में मिक्स ज़रूर करेंगे। अभी ये देखे ना, ये डक्स मुझे बड़ी बड़ी लगनी शुरू हो गई हैं माशाल्लाह। तो इनको हम करेंगे अलग, मतलब इनको इकट्ठा करेंगे, इस छोटी को, रिंकल मोंटी को भी और इनको भी। तो अभी जो है ना, इनको सबसे पहले रोटी डालें, बिकॉज रोटी, यार मुझे पता नहीं, ये देखें ये बेबी आज फिर बाहर आया हुआ है। ये देखें ना, पता नहीं क्यों मुझे ये ढीला ढीला लग रहा है सुबह से ना, क्योंकि कल बड़ी बारिश वगैरह हुई है, अंधेरी वगैरह चली है, कहीं क्या हो गया यार इसको, कुछ ठंड वंड तो नहीं लग गई? अबे ये क्या है, क्या जमा हुआ है? ये सीड जमा हुए हैं, कहीं मोशन तो नहीं लगे हुए इसको, पता नहीं क्या वजह है यार, ढीला ढीला। जब इसको मैंने देखा आंखें बंद करके बैठा होता है एक साइड पे ना, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। वो वाला ठीक है फिर भी। और ये देखें, ये दो अंदर से झांक रहे हैं। तो खैर इनको बंद करें, इनका बाजरा वगैरह भी है, पानी भी इनका है, तो इसको करते हैं बंद। और इस डब्बे को भी अभी बंद कर दें। अबे यार हो जो बंद, इसको भी बंद कर दें। चलें दोस्तों, चलते हैं, इनके लिए रोटी लेकर आते हैं। वो देखें सारे के सारे पिजन्स जो है ना, वो चलो चलो भागो 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 सारे के सारे इनको भगा दिया। चल ये देखें, इतनी ज़्यादा रोटी थी सारी ख़त्म कर दी बदमाशों ने। ये देखें थोड़ा सा पानी भी डाल लें, और ये थोड़े से जर्रे हैं इसको इधर फेंक देते हैं। ये देखें ये पिजन वगैरह खा लेंगे, और इनको लेके चलते हैं अंदर। जी 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 पानी भी आपने सारा उल्टाया पुलटाया हुआ है, रोटी आ गई है आपकी। लें जी दोस्तों, दोस्तों टांगे दो चूज़ों की टेढ़ी थी ना, एक चूज़े की तो डेथ हो गई थी, और ये एक बचा हुआ है, इसकी भी हालत बहुत अजीब है दोस्तों। ये देखें ये ना इस साइड पे है, इसकी भी अब टांगे ना बहुत ज़्यादा, ये मतलब तंग होता है, अब अपनी टांगों पर इससे खड़ा नहीं हुआ जाता, पता नहीं आगे क्या करेगा। अब इनका पानी भी बदलना है। मुझे सबसे ज़्यादा उलझन होती है जब मुझे इनका काम करना पड़ता है ना, क्योंकि ये इतना गंद डाल के रखती हैं ना, सारा पानी वगैरह बिखेरती हैं नीचे, और बहुत डकलिंग गंद करती हैं यार। चलो पानी निकाल लूँ यहाँ से, ये देखें ना क्या हालत की हुई है यहाँ से नीचे से। ओए हो, ये देखें, इनका ना कोई ऐसा सिस्टम तैयार करना पड़ेगा जिससे गंद कम पड़े, और पानी का इनका सिस्टम कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि ऐसी कोई तरकीब। और ये देखें यहाँ पे अंधेरी आई थी, सारी की सारी तूड़ी जो इधर उधर पड़ी थी इधर आ गई है। ये जो है ना, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, अगर ये मेरे डैडी साहब ने देख लिया ना मेरे बहुत गुस्सा करेंगे। ये लें जी, पानी वगैरह भी रख दिया, और इनका सारा काम हो गया यहाँ पे। और इधर दोस्तों आपको दिखाता जाऊँ, ये दोनों के दोनों बच्चे और तीसरा अंडा जो है ना, वो मैंने दोबारा उधर रख दिया, वो देखें बाहर निकाला हुआ है उन्होंने अंडा। चले वो भी आपको दिखाता हूँ कि असल में हुआ क्या है दोस्तों। तो ये तो हमारी हो गई लक्के के दो पिजन्स, दोनों के दोनों, ये वो बड़े वाला था, ये छोटे वाला है। अभी तक किसी के ऊपर कोई डॉट नज़र नहीं आया, तो आई विश इस दफ़ा दोनों प्योर वाइट निकलें, मुझे खुशी होगी अगर दोनों वाइट होंगे तो। खैर तो दोस्तों, अच्छा इसको मैं बताता चलूँ इसका क्या सीन हुआ है। ये देखें दोस्तों, ये अंडा जो है ना, ये मैंने इधर रख दिया है, और नीचे डव के नीचे दोस्तों एक अंडा ना, वो डव के नीचे जो हमने अंडा रखा था ना,
वो ना वो पहले वाला अंडा था जो इन्होंने पहले नंबर पे दिया था, मैंने देखा वो बच्चा निकला हुआ था डव के नीचे पिजन का, ठीक है। तो मैंने ऊपर आया, मैंने लक्के पिजन के नीचे देखा तो वो अंडा भी क्रैक हो रहा था। इसका मतलब जो लक्के के नीचे अंडा रखा गया था वो दूसरे नंबर पे दिया था, ठीक है। तो वो फिर मैंने देखा दोस्तों, इधर इधर ना डव के दोनों बेबी निकल आए थे, तो एक बेबी गायब हो गया, मुझे नजर ही नहीं आया। एक बेबी पड़ा हुआ था और उसे अभी तक फीड नहीं करवाई हुई थी, क्योंकि वो इतना छोटा था, इतना छोटा था, उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी पिजन को कि फीड कैसे करवाएं। मैंने आपको उठा उठा के भी दिखाया था, मैंने इतना सर्च किया इधर, दूसरा बच्चा कहीं पर गिरा हो, कहीं उसका मतलब जिंदा या मुर्दा किसी तरीके से किसी हालत में तो मिले, मुझे मिला ही नहीं दोस्तों। मैंने मुझे लगा, मैंने कहा ये दूसरा बेबी भी यहाँ पर ज़ाया हो जाएगा। फिर मैं जल्दी से नीचे गया, पिजन वाला बेबी उठा के दोबारा इधर लेकर आया, और डव ने पिजन को फीड करवाई हुई थी, तो हालांकि वो बाद में निकला लेकिन डव ने उसे फीड करवाई हुई थी। फिर मैंने वो एक बच्चा उसके नीचे रखा और वो वाला उठा लिया, और अंडा भी मैंने लक्के के नीचे से उठा के इधर रख दिया, मतलब दोनों अंडे। फिर एक अंडा इन्होंने खुद हैच किया है, और एक डव के नीचे हैच हुआ था, वो ये वाला था बड़े वाला, और छोटे वाला ये वाला है। तो अब इनको सही फीड करवाई करवा रहे हैं ये। ये देखिए, इसको तो अभी तक नहीं करवाई हुई, ये जो आज ही निकला होगा ये वाला ना, क्योंकि मॉर्निंग में अभी अंडा पड़ा हुआ था, ये शायद छिलका ही पड़ा हुआ था, अब तो बाहर निकाला हुआ है। तो खैर, इसको भी करवा देंगे। तो भाई ये गलती ही हुई है डव के, इधर इधर जो ला के रखे हैं हमने ना अंडा, बेचारे का एक बच्चा अल्लाह जाने किधर गया, कहीं गायब हो गया या कोई चूज़ा ही ना खा गया हो कहीं, इतना छोटा वो बच्चा था। तो खैर दोस्तों, अब वो डव को मैंने देखा बाय चांस, मेरी नज़र पड़ी थी, मैं पर्दा साइड पे करके देख रहा था, यहाँ से इधर से मैंने देखा डव उसको फीड करवा रही थी, उसकी चोंच अपनी चोंच में डाली हुई थी और फुल उसे फीड करवा रही थी। जब मैंने उसे उसकी मेरे ऊपर नज़र पड़ी, उसने छोड़ दिया फीड करवाना, ना शायद ऐसे घबरा गई हो। तो मतलब गलती हुई है यार, नहीं उठाना चाहिए ऐसे ना। तो खैर, वो मैंने उसको उसके नीचे रख दिया बच्चे को। अब ये देखे सारे के सारे पिजन इसके अंदर घुसे हुए हैं, और आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, ये सारी की सारी जालियाँ इतनी नीट कैसे नज़र आ रही हैं। तो मेरे पास दोस्तों थोड़ा सा पेंट पड़ा हुआ था, वो मुझे चाहिए था नीचे, तो वहाँ पे वो काम ख़त्म हुआ, बच गया था, तो फिर मैंने अपनी ये सारी जालियाँ दोबारा पेंट कर दी हैं। ये देखे कितनी नीट एंड क्लीन हो गई हैं, तो इसी के अंदर पेंट बनाया था। देखे मेरे हाथ पे अभी तक धब्बे हैं पेंट के, ये देखें, ये देखें, तो इसी के अंदर पेंट बनाया था हमेशा की तरह। तो ये सारी जालियाँ मैंने कर दी हैं, देखे बिल्कुल लश पश हो गई हैं, नीट एंड क्लीन। मैं इसको खोल देता हूँ मैं। अब आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर अकेली ये वाली मुर्गी, तो दोस्तों ये वाली मुर्गी भी बिल्कुल अब तकरीबन अंडों पे आ रही है। इसका फेस ना हल्का हल्का रेड हुआ हुआ है, ठीक है। तो कुड़क तो ये तकरीबन तकरीबन तोड़ चुकी है, ये देखें अब ये मुर्गे के साथ चल फिर रही है, लेकिन अभी शायद क्रॉस होना स्टार्ट नहीं हुई। अच्छा, इसकी दूसरी फीमेल किधर गई है, दूसरी फीमेल भी आपको दिखाता हूँ वो कहाँ गई है। वो इतना ज़्यादा फाइट कर रही थी और इस मुर्गी को ना मारी जा रही थी, मारी जा रही थी। ये देखें शेर दिल को पता चल गया, अब वो गई ये देखें इधर चढ़ के बैठ गई है इस तरीके से। तो इसको अलग किया था यहाँ से, क्योंकि ये इस मुर्गी को बहुत ज़्यादा मारी जा रही थी, तो मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि भी ज़्यादा नुकसान हो जाए, और हो सकता है कि ये जो इसके सर पे चोट लगी हुई है ना, ये इसी मुर्गी की वजह से लगी हो, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। मैंने कहा इसका तो अंडों का कोई प्रोग्राम है नहीं अभी नेड़े तेड़े, तो इसको अलग करो और इसको इसके साथ छोड़ो, ताकि ये तो अपना सिस्टम आगे बढ़ाए। तो इस वजह से इसको मैंने अलग कर लिया था, लेकिन अब एक दो दिन हो गए मुझे ऐसे लग रहा है जैसे इसकी झोल ना बड़ी होती जा रही है नीचे से, ना ऐसे मुझे महसूस हो रहा है कि शायद जैसे ये अंडों पे आ ना रही हो। तो खैर देखा जाएगा जो भी होगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करने लगा हूँ दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक लाजमी करें, चैनल करें सब्सक्राइब। मिलेंगे हम लोग आपसे कल एक नई वीडियो में, नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।